लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कितनी अजीब सी चीजें, बेजान मगर डरावनी सी। न जाने कितने सालों से यहां ऐसी ही पड़ी है, यहां जहां वक्त ही थम सा गया है, जहां हर रात कभी ना खत्म होने वाली लगती है। कुछ हुआ था यहां भयानक, इतना कि ये वादियां जो गवाह हैं दास्तां की, अगर चाहें तो भी अपनी खामोशी तोड़कर बयां करने से कतराएंगी। इस दास्तां को, उसके राज को जानने के लिए इन पहाड़ियों की खामोशी सुनना जरूरी है। मैंने सुनी है, यहीं से गुजरते वक्त मेरा वास्ता एक ऐसी कहानी से पड़ गया जो मेरे लिए केस स्टडी का विषय बन गई। मैं आर्यन श्रीवास्तव एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ जो ऑकल्ट साइंसेज में रिसर्च करता है, यानी भूत प्रेत, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी चीज़ों में अंधविश्वास पैदा करने वाली घटनाओं के पीछे छिपी सच्चाई को साइंस या फिर साइकियाट्री के जरिए ढूंढ निकालता है। कितनी अजीब सी बात है, कई बार जीवन में मुश्किल और पेचीदा लगने वाले सवालों के अक्सर कितने सीधे, सरल और आसान से जवाब होते हैं। ऐसी एक पेचीदा जिंदगी एक अजीब से मोड़ पर मिली थी मुझे, जब मैं और मेरी कलीग दिव्या छुट्टियां मनाने मेरे मनाली के फार्म हाउस के लिए निकले थे। क्या हुआ आर्यन, गाड़ी क्यों रोक दी? वहां सामने देखो, ओह माय गॉड,
hope she's alive. सांस तो चल रही है पर मुझे लगता है हम इसे अपने साथ फार्म हाउस ले चलते हैं। फिलहाल तो यही एक चारा है। यहाँ कोई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल? Not really, Divya. ए आर्यन, होश आ रहे से। Stop the car. तुम हमें पीछे सड़क पे बेहोशी की हालत में मिली थी। मैं दिव्या, ये आर्यन। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? नताशा। नताशा, नाइस नेम। नताशा, तुम इस वक्त जंगल में अकेली क्या कर रही थी? देखिए, मुझसे कोई सवाल मत पूछिए, प्लीज। मगर तुम्हें ये तो बताना होगा, तुम रहती कहाँ हो? घर कहाँ है तुम्हारा? मैं इसी रास्ते में रहती हूँ। घर आएगा तो बता दो। ओके। नताशा, मुझे महसूस कर रही हो ना तुम? मुझे महसूस करो। कितने अफसोस की बात है, मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारे इतने करीब होकर भी कितने दूर हो तुमसे। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सुबह शाम दिन रात। मेरे पास चली आओ नताशा, सुन रही हो ना? सुन रही हो ना मेरी पुकार? गाड़ी रोकिए प्लीज। हाँ यहाँ, वो मुझे उस पहाड़ी की चोटी पर जाना है, प्लीज गाड़ी रोकिए। लेकिन वहाँ क्या है? वो मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है? आपने वो आवाज नहीं सुनी? नहीं, यहाँ इस गाड़ी के इंजन के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनी मैंने, और ना ही दिव्या ने कोई आवाज सुनी। अगर तुमने कोई आवाज सुनी तो वो बुला रहा है मेरा नाम लेकर। किसी ने कुछ नहीं सुना नताशा, कुछ नहीं सुना किसी ने, सिवाय तुम्हारे, और वो भी सिर्फ तुम्हारा वहम है। कोई नहीं बुला रहा तुम्हें। कोई मेरी बात कभी नहीं सुनता। आप लोग मुझे मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। यही तो हम नहीं कर सकते। इसका मतलब आप गाड़ी नहीं रोकेंगे? नहीं। जानते हो मुझे बुला रहा है, मुझे उसके पास जाना ही होगा। नताशा, मुझे बुला रहा है, जाना ही होगा, जाना ही होगा। वो मुझे बुला रहा है। कौन बुला रहा है? मुझे उस रात की हर बात इस तरह याद है
तेरी पलकें जो उठी, तेरी पलकें जो झुकी, थम गई धड़कने कुछ मेरी। धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू, हो धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू, जादू हाँ हाँ जादू, तेरी पलकें जो झुकी, थम गई धड़कने कुछ मेरी। एक तरफ तेरी महकी ये सांसें, एक तरफ महकी महकी हवाएं, एक तरफ शोख आलम है कितना, एक तरफ शोख तेरी अदाएं, आज रंगीन साजो समा है, रंग कितने हैं कैसे बताए, कुदरत या तू। धीरे से हुआ दिल बेकाबू, हो धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू, जादू हाँ हाँ जादू, ओ जादू हाँ हाँ जादू। ज्यादा असर हो न जाए, दिल धड़कने लगा धीरे धीरे, अब ये डर है कि ये खो न जाए, हम जाए कहाँ तुम हो हर सू। धीरे से हुआ दिल बेकाबू, धीरे से चला तेरा जादू, जादू हाँ हाँ जादू, ओ जादू हाँ हाँ जादू। दूसरे दिन मैं उससे मिलने म्यूजिक हॉल चली गई। समझ में नहीं आ रहा था बातचीत कैसे शुरू करूं, क्या कहूं। अचानक उसने ऊपर देखा और हाय। तुम बहुत अच्छा गाते हो। थैंक यू। कल रात तुम्हारा गाना सुना, दरअसल तभी कहना चाहती थी पर मौका ही नहीं मिला। मौका तो मुझे भी नहीं मिला तुमसे ये कहने का कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं लेक्चर के लिए देर हो रही है, एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। उस छोटे से ओके ने मेरी जिंदगी बदल दी। लगने लगा था कि जिंदगी का सारा अर्थ विशाल की कविताओं में ही छिपा है।
तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगता है क्यों, मेरी जान भी नहीं तुम, अनजान भी नहीं तुम। तुमसे मिलती जुलती एक तस्वीर तो है मेरे सीने में, प्यार में जिसके डूबा दिल, एक हीर तो है मेरे सीने में। बार बार ये ख्याल दिल में उठता है क्यों, मेरी जान भी नहीं तुम, अनजान भी नहीं तुम। ख्वाबों के कई पल मैंने पलकों में है सजाए, ऐसा कहीं ना हो कि पल साहिल पे आके डूब जाए। होठों पे बस तेरे सिवा अब कोई नाम नहीं, एक जान है हम, धड़कन मेरी, तू मुझसे अनजान नहीं। फिर एक दिन विशाल मुझे अपने घर ले गया। घर क्या, सपनों का महल ही था वो। कितना खूबसूरत घर है तुम्हारा। खूबसूरत तो है पर सुना, पूरा घर नहीं दिखाओगे? विशाल का हाथ थामे जब मैं उस घर की सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब मैंने एक बात तय कर ली। विशाल से शादी करने के बाद मैं उस घर की एक चीज नहीं बदलूंगी, चली आऊंगी बस उसकी जिंदगी में बहार बनकर। जीवन में खुशियां शायद ऐसी ही आती हैं, बिना किसी आहट के, बिना कोई दस्तक दिए, अचानक। I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little. तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? सोचा नहीं है। सोचा नहीं है मतलब? सोचा नहीं है शादी के बारे में। सोचा नहीं है मतलब? नताशा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जानती हूँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक यही है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आई फील शादी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। ओ, इंपॉर्टेंट है और तुमने सोचा नहीं? सुनो सुनो, एक मिनट प्लीज, मेरी बात सुनो नताशा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए प्लीज। ठीक है, कितना वक्त चाहिए? एक महीना, दो महीने, चार, छह महीने? विशाल शायद। ठीक है ठीक है, 6 महीने तक हम मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और लिसन टू मी, यू लिसन टू मी, 6 महीने तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। और मैं ये नहीं चाहती कि तुम इस रिलेशनशिप में कोई समझौता करो। 6 महीने बाद हम उसी जगह मिलेंगे जहां पर हम पहली बार मिले थे। विशाल प्लीज, विशाल, यू नो मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विशाल।
but I love you. I love you too. Natasha. जिंदगी में सब कुछ अपने ही टर्म्स पर पाना था, अपने प्यार को भी, विशाल को भी। 6 महीने बाद जब मैं उस पहाड़ी पर पहुंची, तब वहां कोई नहीं था। शाम से लेकर रात तक इंतजार किया, मगर विशाल नहीं आया। पहाड़ी से उतरकर मेरे कदम अपने आप विशाल के घर की ओर बढ़ने लगे। वहां पहुंचकर कुछ चौंक सी गई। घर में लाइट चल रही थी, दरवाजा खुला था। अंदर गई तो बेडरूम से म्यूजिक सुनाई देने लगा। कुछ अजीब सा ही महसूस करने लगी थी। अचानक वही घर अनजाना सा क्यों लगने लगा था। कौन हो तुम? तुम अंदर कैसे आई? दरवाजे में चाबी थी। माय कीज। तुम हो कौन? आप कौन हैं? मेरा नाम नलिनी सेन है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये तो विशाल का घर है। ओह, तुम विशाल सक्सेना से मिलने आई हो? But he sold me this house 6 months ago. झूठ बोल रही हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। 6 महीने पहले उसने घर मुझे बेचा था। ये हो ही नहीं सकता, मैं अभी उसे। I have the documents, but I don't think I need to show them to you. रात गए तुम कहां जाओगी? पता नहीं। एक काम करो, तुम आज रात को यहीं रह लो, कल सुबह चली जाना। नहीं, ठीक है। आई कैन सी यू हैव अ प्रॉब्लम। रह जाओ आज रात को। That means, तुम्हारे कोई कॉमन फ्रेंड्स नहीं थे?
कोई ऐसा नहीं था जिसने तुम दोनों को एक साथ देखा हो, जो तुम दोनों को जानता हो? Nobody. फादर रिबेरो। पर फादर रिबेरो तो गोवा चले गए हैं, काफी दिनों के बाद आने वाले हैं। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ माय चाइल्ड? क्या मैं उनके नाम एक चिट्ठी छोड़ सकती हूँ? श्योर माय चाइल्ड। नलिनी, क्या मैं विशाल के आने तक यहाँ रुक सकती हूँ? वो आएगा, वो जरूर आएगा, मैं जानती हूँ वो आएगा। इस तरह मैं उसी घर में रहने लगी जिस घर के सपने देखे थे मैंने, मगर ये घर वो घर नहीं था। ईंट पत्थर के सपने नहीं देखे थे मैंने। किसी के रहने ना रहने से एक घर को कितना फर्क पड़ जाता है। अकेले में कई बार मुझे ऐसे लगता था जैसे कि विशाल मुझे बुला रहा है। नताशा, 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 नताशा। हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। धड़कनों की कसम बस तुम्हारे हैं हम, जानता है हमारा खुदा। कितना ये हमें भी नहीं है पता। मेरी आंखों में देखो जरा प्यार से, चैन मिलता है बस तेरे दीदार से। प्यार का दिल है जवां, क्यों चुराएंगे बोलो नजर यार से। हमें है इंतजार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। तुमसे है प्यार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। बाहों में आ, मेरे दिल में समा, दूर तू है तो धड़कन रुकी जा रही। दिल है बेकरार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। धड़कन
नैनों की कसम, बस तुम्हारे हैं हम, जानता है हमारा खुदा, हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें भी नहीं है पता, हमें तुमसे है प्यार कितना, ये हमें भी नहीं है पता। दिन बीतते चले गए पर ना तो विशाल का कोई पता चला, ना ही फादर रिवेरो से कोई खबर मिली। पर विशाल का इंतजार करती मेरी आंखें कभी नहीं थक सकती थी। मुझे यकीन था कि मेरा विशाल एक दिन जरूर लौट कर आएगा, लेकिन नलिनी सर का कहना कुछ और था। नताशा, कोई वापस नहीं आता। अब मैं तुम्हें और झूठा दिलासा नहीं दे सकती कि उम्मीद रखो, हौसला रखो, he'll be back, it's all rubbish। देखो नताशा, जिंदगी जीने के लिए मर्द की जरूरत नहीं होती। Look at me, successful, independent, without a man, happy। तुम भी ऐसी बन सकती हो। तुम एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर बन सकती हो। यू नो, मैंने तुम्हारी वो फाइल पढ़ी थी, द एडवेंचर्स ऑफ प्रोफेसर ज़ेनो। व्हाट अ ब्रिलियंट कैरेक्टर, कितनी अच्छी कहानी लिखी है तुमने। आई मीन, वो टाइम मशीन में बैठ के 500 साल आगे चला जाता है। वाओ, आई मीन दिस स्टोरी हैज ग्रेट पोटेंशियल। मैं इस किताब को तुम्हारे लिए पब्लिश करवा सकती हूँ। रियली? नलिनी सेन किस कहानी की बात कर रही थी? कौन सी किताब, कौन सी फाइल? प्रोफेसर ज़ेनो, टाइम मशीन, 500 साल आगे की दुनिया, ये सब क्या था? कैसे लिख सकती थी मैं कहानी? उन दिनों मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मैं छोटी छोटी बातें भूल जाती थी। याद करने जाती तो बहुत तकलीफ होती थी, सर फटने लगता था। पर ये कहानी का काल्पनिक किरदार मुझे बहुत परेशान कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्यों। और फिर एक दिन पेंटिंग, तुम्हारा प्रोफेसर ज़ेनो। मैंने सोचा कि तुम्हारे किताब के कवर के लिए मैं एक पेंटिंग बना दूं। लाइक इट? इट्स एक्सीलेंट। इसका क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है क्योंकि तुमने अपनी किताब में इतनी डिटेल में इसे डिस्क्राइब किया है। जस्ट कुडन्ट गो रॉन्ग, जस्ट लाइक द कैरेक्टर, इज़न्ट ही? अब तुम इसे देखती रहोगी कि सोने भी जाओगी? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगी। यू श्योर? तुम अकेली ठीक हो? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। कौन? मैं हूं। देखिए, मिस सेन सो चुकी है। आप कल सुबह आ जाइए। कौन है? मैं तुमसे मिलने आया हूं। मुझसे? आप अंदर क्यों आ रहे हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरी आवाज भी भूल गई तुम? मैं तुम्हारा प्रोफेसर ज़ेनो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? प्रोफेसर ज़ेनो मेरे कहानी का एक किरदार है। झूठ बोल रही हो तुम। आप?
ये पेंटिंग तुमने बनाई? अच्छी है, पर मैं ये नहीं जानता था कि तुम मुझे इतना चाहती हो। चलो मेरे साथ। देखिए, चलो मेरे साथ। क्या बात है? क्या हुआ? What? वो क्या? और ये दरवाजा क्यों खुला है? क्या बात है, क्या हुआ? प्रोफेसर सेनो, क्या कह रही हो तुम? यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पे प्रोफेसर सेनो आया था। कोई नहीं है यहाँ। तुमने देखा? प्रोफेसर सेनो कैसे आ सकता है? कम या इधर आओ, देखो। देखा उसे नलिनी, वो यही था। कम सी, यहाँ कोई नहीं है। कह रही हूँ ना, तुम्हें आराम की जरूरत है। You're tired. मैं सच कह रही हूँ ना। मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो चलो तुम सो जाओ। क्या मैंने इस प्रोफेसर सेनो को सचमुच देखा था? मुझे उससे इतना डर क्यों लग रहा था? क्या मुझे विशाल सचमुच बुलाता था? मैं नलिनी सेन को क्या बताती? वो तो मुझे पागल समझती। मैं इस तरह पेश आने लगी जैसे कि सब कुछ ठीक था। सिर्फ मैं और मेरा लिखा एक खत जानता था कि मैं कितनी परेशान थी, मुझ पर क्या बीत रही थी। तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, आई हैव टू गो। यू नो इट फील्स रियली नाइस, इट फील्स नाइस कि तुम मेरी बात मानने लगी हो। यू हैव स्टार्टेड टेकिंग योर राइटिंग सीरियसली। महीने भर में तुम्हारी किताब भी पब्लिश हो जाएगी। धीरे धीरे तुम विशाल को भी भूलने लगी हो, एंड फाइनली तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है कि ज़ेनो का आना तुम्हारा वहम था। इसलिए बहुत सोच समझ कर मैंने डिसाइड किया है कि थोड़े वक्त के लिए मैं तुम्हें छोड़ के जा सकती हूँ। इज इट ओके? यस। गुड। आप शाम तक आ जाएंगे ना? फिर आप? तुम शाम तक आ जाओगी ना? बिल्कुल। बाय। See you. तुम मुझे महसूस कर रही हो ना? महसूस करो मुझे, मुझे महसूस कर। और वैसे भी सपनों को छुआ नहीं जाता। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम विशाल? I say don't touch me, please. तुम इतने दिनों बाद क्यों आई?
मैं तो यहीं थी, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम चले गए थे। मैं तो यहीं पर था, सुबह शाम दिन रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। पर तुमने तो ये घर भी बेच दिया। अब क्या रखा है? हम अपनी दुनिया बसाने वाले थे इस घर में। विशाल, किससे बात कर रही हो तुम? विशाल, तुम किससे बात कर रहे हो? विशाल कहाँ है? विशाल कोई नहीं है वहाँ, कोई नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है। देखो विशाल, देखो कोई है? कोई नहीं यहाँ। जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो तुम पागल हो गई हो। विशाल, तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है। यू नीड मी, तुम्हें मेरी जरूरत है। रुको रुको, गिर जाओगी तुम। मेरी बात सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। Thank you.
मैं तो इसी उम्मीद के साथ जी रही हूं कि मेरा विशाल एक दिन जरूर लौट आएगा। सेनो कौन है, क्या है, मैं ये नहीं जानती। सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं उसके परछाई से भी डरने लगी हूं। क्या आप लोग मुझे चर्च ले जा सकते हैं प्लीज? फादर रिबेरो लौट आए होंगे, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। फादर? यस माय चाइल्ड। आपने मुझे पहचाना नहीं? आपको मेरी चिट्ठी मिली? चिट्ठी? हाँ, मैंने आपके नाम एक चिट्ठी छोड़ी थी। विशाल का कुछ पता चला? विशाल? विशाल तो मुंबई चला गया है। पर उसने मुझे बताया नहीं। वो तुम्हारा संदेश है, मैंने भेज दिया उसे, वो आएगा। He'll be back. Thank you, father. I don't know how to thank the two of you for this. अगर वो तुम दोनों से नहीं मिलती तो God knows anything could have happened. Miss Sen, उसकी कहानी सुनने के बाद तो ऐसा लगा कि अगर आप नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। नहीं, गलती तो मेरी थी ना, मुझे उसे इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए था। I'm really worried now. पता नहीं आगे क्या होगा, विशाल आएगा भी या नहीं। फादर, इस तरह अचानक बुला लिया? बुलाने वाला मैं नहीं, कोई और है। मैं समझाने? मैं समझाती हूँ मिस सेन। हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं जो ऑकल्ट साइंसेस में रिसर्च करता है। और लेकिन ऑकल्ट साइंसेस में तो भूत, प्रेत, आत्मा, पुनर्जन्म ऐसी चीजें आती हैं। इस सब से नताशा का क्या कनेक्शन? नताशा वापस आ चुकी है। लेकिन हम लोगों ने अपने करियर में कई ऐसे केसेस देखे हैं जिन्हें लोगों ने भूत प्रेत का मामला या फिर पुनर्जन्म का कोई केस समझा हो, हकीकत में वो मेंटली डिस्टर्ब लोग निकले, दिमागी तौर पर बीमार लोग। हो सकता है कि नताशा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। बिल्कुल वही आवाज। पर फादर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप, वो तुम्हारे पुराने घर में ही रहती है, तुमसे कुछ चाहती है वो, तुम जाकर देख लो। फादर, आपको तो होता है, ऐसा होता है, अक्सर होता है, तुम जाकर देख लो, लेकिन सावधान। आपको एतराज नहीं हो तो वी'd लाइक टू इन्वेस्टिगेट दिस फर्दर। हमें उससे बात करनी होगी, कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो समझ में आए। और फिर हो सकता है कि Excuse me a moment. Sure. नलिनी, वो विशाल? My God, कहाँ थे तुम? नलिनी, वो फादर रिबेरो कह रहे थे कि नताशा तुम्हारे बगैर पागल हो रही है। What? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ मत बता, सारे explanations तुम उसी को देना। Come with me. Just come with me. नहीं, नहीं। आर्यन, दिव्या, यह विशाल, मैं अभी आई।
नताशा, मैं तुम्हें... कौन है नालिनी? खुद ही देख लो। हाय, हाय। विशाल! चले गए थे विशाल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा था ना विशाल आएगा, मैंने कहा था ना विशाल, I love you so much विशाल, प्लीज मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती विशाल, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना विशाल। कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? ये तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो विशाल? विशाल, विशाल, छोटू दिस नवी विशाल, प्लीज मैं मर जाऊंगी विशाल, I love you so much विशाल, विशाल, विशाल। विशाल, देख रहा हूं कि आप कब से मेरा पीछा कर रहे हैं, चाहते क्या है? यही जानना चाहता हूं कि तुम इस तरह वहां से चले क्यों आए, तुमने नताशा को पहचानने से इनकार क्यों किया, ये कैसा खेल खेल रहे हो उसके साथ विशाल? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं। मतलब यही कि वो नताशा नहीं है, वो लड़की नताशा नहीं। क्या कहना चाहते हो तुम? वो कोई और है। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूं? उस लड़की ने खुद मुझसे कहा है कि वो मैं नहीं जानता कि उसने आपसे क्या कहा, पर इतना जरूर जानता हूं कि वो मेरी नताशा नहीं है। गिव मी अ मिनट प्लीज। आप जानना चाहते हैं ना मेरी नताशा के बारे में? मेरी नताशा एक कार एक्सीडेंट में, शी डाइड, वो मर चुकी है। नताशा की कब्र देखकर कुछ हैरान सा रह गया था मैं कि विशाल के नताशा की कब्र थी तो ये लड़की कौन थी, और विशाल ने तो आज तक कभी इस लड़की को देखा भी नहीं था। मेरा बरसों का तजुर्बा कहता है कि विशाल सच बोल रहा था, मगर वही तजुर्बा ये भी कहता है कि ये लड़की भी झूठ नहीं बोल रही थी। तुम नताशा से मिलेगा? हाइक पे, कॉलेज के हाइक पे। रात का समय था और तुम गाना गा रहे थे,
नताशा बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठी थी जहां तुमने उसे पहली बार देखा। अगले दिन वो तुमसे मिलने कॉलेज के म्यूजिक रूम में भी आई, लेकिन तुम गिटार बजाने में बिजी थे। नताशा ने आगे बढ़कर अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें लगा कि तुम्हारी इस हरकत से वो नाराज होगी, लेकिन उसने कहा इट्स ओके, और एक छोटे से ओके ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। Am I right? राइट, ये सब बातें हुई थी हमारे बीच, पर वो मेरी नताशा नहीं है। मेरी नताशा तो आप जानते हैं, और ये सब बातें उसी ने मुझे बताई। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये लड़की है कौन। यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरा पेशा भी है। इट्स माय जॉब टू फाइंड आउट। मतलब मेरे साथ चलो, मैं समझाता हूं। क्या हुआ, तुम जानना चाहते हैं ना वो लड़की कौन है? तुम दोनों के बारे में आखिर वो इतना कुछ जानती कैसे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ट्रस्ट मी, कम। गो अहेड। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? आप तुम जस्ट कूल डाउन प्लीज। क्यों बार बार मुझे तंग करने आ जाते हो तुम? तुम जस्ट रिलैक्स। ओके, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। ओके प्लीज, एंड जस्ट रिलैक्स। ओके, मैं बच्चों मुझे प्लीज। आप देखिए, मुझे कुछ कहने का मौका दीजिए। बच्चों मुझे प्लीज, बच्चों मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आप जस्ट कूल डाउन। नताशा, नताशा, तुमसे मिलने आया हूं। तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरी आवाज भी भूल गई तुम? मैं तुम्हारा प्रोफेसर सेनो। गॉड डैम। नताशा, तुम ठीक तो हो? इस तरह वहां से भाग के क्यों आई तुम? कहां से? विशाल के घर से। विशाल को देखकर तुम इस तरह भागी क्यों? मुझे कुछ याद नहीं। नताशा, गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रही थी तुम? मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती।
उस हालत में नताशा को घर छोड़कर लौटा तो मैं सेन से वो फाइल और जेनो की पेंटिंग लेकर, मन में कई सारे सवाल थे लेकिन जवाब किसी का नहीं था। नताशा ये कहानी बनाकर तो नहीं बोल रही थी? वो मुझे बुला रहा है मेरा नाम लेकर, आपने सुना? अगर ऐसा कर रही थी तो क्यों? उस फाइल का एक फटा पन्ना मुझे इतना परेशान क्यों कर रहा था? ये 500 साल आगे की दुनिया में जाने वाला जेनो कौन था? तुम पागल हो गई? तुम्हारा प्रोफेसर जेनो, तुम्हें मेरी जरूरत है। क्या वो सचमुच नताशा से मिला था या फिर ये सिर्फ उसका वहम था? यह काल्पनिक आदमी हकीकत में कैसे आ सकता है? उस कहानी के पन्ने पलटते समय एक खत मिला, नताशा का लिखा हो, किसी गीतांजलि के नाम। ये गीतांजलि कौन थी? उसका जिक्र नताशा ने कभी क्यों नहीं किया? विशाल का कहना था कि उसकी नताशा मर चुकी है। ये सब हुआ था हमारे बीच, पर वो मेरी नताशा नहीं, मेरी नताशा तो मिस्टर आर्यन आप समझ। अगर ऐसा था तो ये लड़की कौन थी? नताशा। विशाल ने यह भी बताया कि उसकी आवाज़, बात करने का तरीका, उसकी छूने की अदा, सब कुछ नताशा की तरह ही था। नताशा विशाल। जब विशाल उसके सामने उस दिन दोबारा गया तो उसने विशाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? तुम क्यों बार बार मुझे तंग करने आ जाते हो तुम? तब तो उसकी आवाज भी कुछ और ही थी, किसी और लड़की की तरह लग रही थी वो। चक्कर क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नताशा का पीछा करते समय कुछ देखा था मैंने। क्या था कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर अचानक याद आया, एक घर जिसका वर्णन उसकी कहानी के घर से बिल्कुल मिलता जुलता था। उस पेंटिंग में भी वही घर था, वही घर 500 साल आगे की दुनिया में जाने वाले काल्पनिक किरदार का घर। उसका वर्णन उस कहानी में किया गया था, अजीब सा, डरावना सा। यहां भी कुछ खत मिले, नताशा के लिखे हुए किसी गीतांजलि के नाम। अब तो इस गीतांजलि का पता लगाना बहुत जरूरी हो गया था। आखिर ये गीतांजलि है कौन? He did exist, वो था। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, क्या हुआ, इन सारे सवालों के जवाब हमें वो लड़की ही दे सकती है। Anyway, प्रोफेसर जेनो की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलने में हमें कम से कम 2 दिन लगेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि वो लड़की विशाल के साथ ही रहे। विशाल, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए काम बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हें उसे नताशा समझना होगा, तुम्हारी नताशा। हो सकता है तुम्हारे साथ रहने से तुम्हें उसके बारे में कई सारी बातें पता चलें। अगर इससे भी हमें कुछ नहीं पता चला तो हमें आपकी जरूरत पड़ेगी मिस सेन। आपको कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर रहना होगा।
और इस घर को बिल्कुल वैसा ही बना देना होगा जैसा वो था जब विशाल यहां रहता था। और इसके लिए हमें उससे बात करनी होगी, अकेले में और अभी। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस सेन। श्योर। आर्यन, जब नताशा आएगी तो नताशा इज डेड, ये मत भूलना। ये लड़की नताशा नहीं है, हमें ढूंढना है ये लड़की है कौन। ये जानने के लिए मुझे उसे सबसे अलग करना होगा। मिस सेन उस लड़की के बहुत पास आ चुकी हैं। इन हालात में ऐसे किसी व्यक्ति का उसके इतने पास होना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। मेरी समझ से दिव्या, तुम्हें मिस सेन के साथ ही रहना चाहिए। हो सकता है इस केस की बहुत सारी बातें तुम्हें मिस सेन से पता चले। ये बात साफ थी कि ये लड़की बीमार थी। ऐसे दिमागी बीमारियों का इलाज करने के लिए मरीज को अपने करीबी लोगों से दूर रखना पड़ता है, इसलिए दिव्या को मिस सेन को लेकर जाना पड़ा। अक्सर ये इलाज मरीज को अपने पुराने दर्द याद दिलाने से ही होता है, जिसके लिए कभी कभी उसे हिप्नोटाइज भी करना पड़ता है। मगर इस लड़की को हिप्नोटाइज करने से पहले गीतांजलि और फाइल के उस फटे पन्ने का राज जानना जरूरी था, जो राज सिर्फ विशाल के उसके करीब रहने से ही मालूम हो सकता था। विशाल इस बात के लिए राजी हो गया, यह उसका बड़प्पन था। कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। जब से हमको मोहब्बत हुई है, जब से हमको मोहब्बत हुई है, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। जब से हमको मोहब्बत हुई है, जब से हमको मोहब्बत हुई है, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मोहब्बत करते हैं। कभी ये ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। तुम्हें देखते हैं तो चलती है सांसें, तुम न मिलो तो मचलती है सांसें। इधर भी सनम बस यही हो रहा है, तन्हा रहे तो जलती है सांसें। कभी ना पूछना हम कितना तुम पे मरते हैं, कभी ये ना पूछना हम कितना तुम पे मरते हैं। तेरे संग जब से जीने लगे हैं, तेरे संग जब से जीने लगे हैं, हम सिर्फ तुम्हें पे मरते हैं, सिर्फ तुम्हें पे मरते हैं। कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। चले आएंगे हम बाहों में तेरी, हमें अब किसी नाम से तुम बुला लो। कभी ये ना पूछना हम और क्या चाहत करते हैं,
हम कितनी मोहब्बत करते हैं, कभी ना पूछना हम कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब आर्यन, और कितने दिनों तक ये नाटक करना पड़ेगा? तुम चाहो तो कभी भी निकल कर जा सकते हो। आई मीन मैं तुम्हें जबरदस्ती रोक तो नहीं सकता, फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम रुकना भी नहीं चाहते, जाना भी नहीं चाहते। बहुत मुश्किल में डाल दिया ना मैंने तुम्हें। बात ये नहीं है आर्यन, मैं तो बस उन लम्हों से दूर जाना चाहता हूं जिन लम्हों में नताशा की यादें बसी है, और उन लम्हों को भुलाना ट्रस्ट मी आसान नहीं था। और आज वही लम्हे मेरे सामने एक जिंदा तस्वीर बनके खड़े हैं, उस लड़की की हर बात नताशा की याद दिलाती है। नताशा के जाने के बाद मैंने अपने संगीत से मुंह मोड़ लिया, वो घर छोड़ दिया क्योंकि उस घर के हर कोने में नताशा का प्यार था। और अब तुम्हें एक बार फिर उसकी बनाई दुनिया में लौटना होगा, वही घर वही माहौल फिर से बनाना होगा, संगीत को फिर से अपनाना होगा, फिर से वही विशाल बनना होगा। When I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say, I'm on my way. विशाल, ये क्या है? तुम्हारा सपना। है ना खूबसूरत? बिल्कुल वैसे ही जो जैसे पहले था। पर नलिनी कहाँ है? एक्चुअली उसी का आइडिया था, वो शी वांटेड टू गिव यू सरप्राइज, वो आ जाएगी। स्वीट, तुम जानते हो उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है? अब लगने लगा है डर,
मैं कैसे बताऊं आज तुझे क्या चोट है इस दिल पर सोच के रात गए अचानक तुम्हें ये जगह याद है विशाल हम दोनों यहाँ एक दूसरे की बाहों में बैठे थे तुमने मुझे अपनी कविता सुनाई थी कितना प्यार कितनी खुशियां थी उन शब्दों में क्या बदला है सब कुछ तो वैसे के वैसा है मैं यहाँ हूँ तुम यहाँ हो सिर्फ ये चश्मा लग गया ज्यादा नंबर नहीं है -1 पॉइंट वो शादी के बारे में बात कर रही है शी इज आस्किंग फॉर कमिटमेंट वो मुझसे वादा चाहती है और तुमने उसे वादा दे दिया उससे कुछ नहीं कह सकता यार मैं दोबारा इस प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता मत पढ़ो किसने कहा मैंने तुम्हारे पेशे ने तुम्हारे जज्बात को मार दिया होगा लेकिन मेरे जज्बात अभी तक जिंदा है क्या करूं हूं मैं ऐसा मैं उसे प्यार करने लगे किससे उसमें छुपी नताशा से या फिर उस अजनबी लड़की से जो उसकी तरह बोलती है उसकी तरह चलती है उससे पता नहीं मुझे तुम्हारी बात माननी नहीं चाहिए थी ना ही मैं तुम्हारी बात मानता और न ये सब आर्यन मुझे इसमें इन्वॉल्व करने से पहले मेरे जज्बात को तो समझते विशाल मेरी बात समझो मुझ पर यह इल्जाम मत लगाओ कि मैंने तुम्हारे जज्बात की कद्र नहीं की है और एक बात अपने दिमाग से निकाल दो
कि जीवन में दोबारा प्यार नहीं होता है। इंसान है हम, बिना प्यार के नहीं जी सकते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है और उसके साथ कई सारे सवालों के जवाब भी। तुम कल सुबह उस लड़की को लेकर यहां आ जाना, हमें सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब तुम जाओ, रात बहुत हो चुकी। गो। और फिर वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गो। गीतांजलि और उस फटे पन्ने का राज तो विशाल से नहीं पता चल सका। खैर, विशाल अगर सचमुच उस अजनबी लड़की को चाहने लगा था तो दवा से ज्यादा कभी कभी जिंदगी ही अपना असर दिखाती है। लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। से दूर जा रही है, शायद उसकी ये एक अदा है। वो क्या जाने जान जा रही है, जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, ओ जीना भी भुलाया, दीवाना बनाया, ऐसा जादू चलाया है। उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। जैसी जैसी शाम ढल रही है,
लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया है। अच्छी जगह है ना। क्या सुबह से लगा रखा है? मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं देते? बताओ ना, आर्यन ने क्यों बुलाया? क्यों बुलाया आर्यन ने, बताओ। खुद ही पूछ लो। क्या पूछना चाहते हो? कुछ नहीं। You've got a fantastic house. Thank you. दिव्या कहाँ है? Come. Sit. अच्छा लग रहा है तुम दोनों का साथ में देखकर। Nice. You guys make a fantastic couple. Natasha, तुम्हारा सपना आखिर पूरा हो ही गया। लेकिन सपनों का क्या है, टूट भी जाते हैं, बिखर भी जाते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि विशाल तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार करने का ढोंग कर रहा है, उसने तो अभी तक तुम्हें पहचाना भी नहीं, तो विशाल ऐसा क्यों करेगा? इसलिए कि वो कहता है उसकी नताशा मर चुकी है। तुम उसकी नताशा नहीं हो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? विशाल चलो यहां से, लेट्स गो। गीतांजलि कौन है नताशा? गीतांजलि वो मेरे बचपन की सहेली है, चली गई थी, बताया नहीं कहाँ जा रही। आप जानते हो उसे? मैं गीतांजलि के अलावा और भी बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हें याद है जब तुम विशाल को छोड़कर 6 महीने के लिए गई थी? कहाँ गई थी याद है तुम्हें? कहाँ गई थी तुम? मुझे मालूम है। क्या मालूम है? यही कि तुम्हें याद नहीं रहता, तुम छोटी छोटी बातें भूल जाती हो। तुम्हारा गाड़ी चलाना, किताब लिखना, यहां तक कि 6 महीने के लिए तुम कहां जाती हो तुम्हें याद नहीं, क्या किया तुमने तुम्हें याद नहीं। याद करना चाहती हो नताशा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेट मी हेल्प यू, ट्रस्ट मी। फाइल तुम्हारी है? पता नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम इस फाइल को खोलो। इसके पहले पन्ने पर क्या लिखा है?
इस पर तो लिखा है कि ये पन्ने पर नहीं, ये फटा हुआ क्यों है? क्या लिखा था इस पन्ने पर? किसने फाड़ा उसे? पता नहीं, याद नहीं। क्यों याद नहीं? Try and remember, कोशिश करो। नहीं याद कर सकती। कोशिश करो नताशा। बहुत तकलीफ होती है, सर फटता है, ऐसा लगता है जैसे कि फटकर सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, यही ना? ऐसा लगने तो कम से कम हमें सभी सवालों के जवाब तो मिल जाएंगे। याद करने की कोशिश करो। प्रोफेसर ज़ेनो कौन था? क्यों डरती हो तुम इतना उससे? क्यों आता है वो तुमसे मिलने बार बार? क्या चाहता है वो तुमसे? मुझे बताओ, ये कहानी किसने लिखी और इसका ये पन्ना क्यों फटा हुआ? किसने फाड़ा उस पन्ने को? ये कहानी किसने लिखी? ये फाइल तुम्हारी है? मुझे बताओ, ये कहानी किसने लिखी? मैं जवाब चाहता हूँ। कहानी किसने लिखी? इस पन्ने को किसने फाड़ा? मुझे बताओ, इस पन्ने पर ऐसा क्या लिखा हुआ था कि इसे फाड़ दिया गया? इस पन्ने को किसने फाड़ा? क्या तुमने फाड़ा इस पन्ने को? मुझे बताओ, क्या तुमने फाड़ा इस पन्ने को? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ, क्या तुमने फाड़ा इस पन्ने को? मैं नहीं फाड़ा। कौन है आप? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानता। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? क्या हुआ आर्यन, मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? तुम कहीं चली गई थी नताशा। मैं तो यहीं थी। तुम्हारी प्रॉब्लम को समझो नताशा, तुम बीमार हो दिमागी तौर से, मल्टीपल पर्सनालिटी, यानी तुम्हारे अंदर एक नहीं दो व्यक्तित्व हैं। ऐसा तब होता है जब इंसान की जिंदगी में तकलीफें बहुत हो जाएं, इतनी ज्यादा कि वो अपने अस्तित्व से भी नफरत करने लगे। साइकियाट्री में हम इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ऐसे में इंसान अपने आप से इतना दूर भागता है कि वो अपने आप को ही कहीं भूल जाता है, और इसके बाद वो किसी ऐसे इंसान का व्यक्तित्व अपनाता है जो कि उसे बहुत प्रिय हो या फिर जिसकी तरह वो बनना चाहता हो। कमाल की बात तो यह है कि वो इस व्यक्तित्व को इस तरह से अपनाता है कि उसका बोलने का अंदाज, उसकी अदा, यहां तक कि हैंडराइटिंग भी हूबहू अपना ली जाती है। ये नताशा तुम्हारा दूसरा व्यक्तित्व है। तुम्हारा पहला व्यक्तित्व क्या है? तुम कौन हो? ये जानना चाहती हो तुम? जानना चाहती हो? इसके लिए मुझे तुम्हें हिप्नोटाइज करना होगा। तुम आराम से बैठो, रिलैक्स। अब मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा बहुत ध्यान से सुनो। तुम अब मेरी बाई आंख की ओर देखोगी, मेरी बाई आंख, सिर्फ मेरी बाई आंख। तुम अब सिर्फ मेरी बाई आंख को देख रही हो, मेरी बाई आंख। अब सिर्फ मेरी आवाज को सुनो, सिर्फ मेरी आवाज। आहिस्ता आहिस्ता
तुम्हारे हाथों में भारीपन महसूस हो रहा है, तुम्हारे हाथों में भारीपन महसूस हो रहा है, तुम्हारी आंखें भारी हो गई, आंखें भारी हो रही, भारी हो रही, भारी हो रही, तुम्हें नींद आ रही, नींद आ रही, तुम सो रहे हो। तुम सो चुकी हो। नाम क्या है? गीतांजलि। नताशा कौन है? मेरे बचपन की सहेली। तुम्हारे बचपन की कोई खास बात, कोई ऐसी घटना जो तुम भूल नहीं पाई? मैं 5 तक गिनूंगा, तुम अपने बचपन में लौट जाओगी। 1, 2, 3, 4, 5। क्या उम्र है तुम्हारी? 6 साल। कहाँ हो तुम? मम्मी डैडी का एक्सीडेंट हो गया। क्या देख रही है? वो पुलिस अंकल बोल रहे कि मम्मी डैडी भगवान के पास चले गए। गीतांजलि शाम भगवान के पास चले गए। शांत गीतांजलि, रिलैक्स रिलैक्स। अब उस घटना के 20 दिन आगे चली जाओ। घटना के 20 दिन बाद कहाँ हो तुम? नताशा के घर में। अब मैं यही रहूंगी उसके मम्मी डैडी के साथ। गीतांजलि, अब तुम 18 साल की हो जाओ। 18 साल की। क्या सोच रही हो? मेरा कोई सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं कॉलेज में विशाल को अपना दिल दे बैठी, पर एक दिन मुझे नताशा ने बताया कि वो उससे प्यार करती है और विशाल भी उससे प्यार करता है। गलती मेरी ही है, मैंने कभी उससे अपने प्यार का इजहार किया ही नहीं। उसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं, कैसे देखता? मैं उसके सामने कभी गई ही नहीं। अब तो सिर्फ जब भी नताशा मुझे उसके और अपने बारे में बताती है, मैं अपने आप को उसकी जगह पाती हूँ। गीतांजलि, अब तुम 5 साल आगे चली जाओ। 5 साल। क्या अभी तुम अपने आप को नताशा की जगह विशाल के साथ देखती हो? नहीं, मैं उन सबसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैंने तो कॉलेज भी बदल लिया है, इसी कॉलेज के हॉस्टल में रहती हूँ। कोई नए दोस्त? उन्हें दोस्त नहीं कह सकती, वो मेरे पिता समान हैं। मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे मेरी थीसिस लिखने में बहुत मदद की। कहाँ हो?
प्रोफेसर सेनो के घर में। इस थीसिस या कहानी के प्रमुख पात्र प्रोफेसर सेनो काल्पनिक नहीं है। प्रोफेसर सेनो मेरे गुरु, मेरे आदर्श, यहाँ तक कि मेरे भगवान हैं। उनको आम आदमी सिर्फ 500 साल आगे की दुनिया में देख पाएगा, जहाँ प्रोफेसर सेनो इस थीसिस के दौरान चले जाते हैं। इतनी इज्जत करती हो तुम मेरी? आज तक मुझे कोई समझ नहीं पाया जितना तुम मुझे समझ सके हो। गीतांजलि, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? आई मीन किताबों वाला प्यार, रोमांस। तुम्हारी चुप्पी कुछ कह रही है, ये खामोशी कुछ बता रही है मुझे। क्यों नहीं बताया तुमने आज तक मुझे? कौन है वो? खैर छोड़ो, नाम क्या है उसका? विशाल सर। यानी कोई है? इसका मतलब कोई है? हाँ? कोई है? समझ में नहीं आता सर, को अचानक क्या हो गया? मेरी नजरों से गिर चुकी हो तुम, ये उम्मीद नहीं की थी मैंने तुमसे। देखो गीतांजलि, विज्ञान को, साइंस को यदि तुम अपना पेशा मानकर चलना चाहती हो तो इन सब बातों को भूल जाओ। अब तुम मुझसे तब बात करना जब तुम विशाल को अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह निकाल चुकी होगी। मुझे उनसे माफी मांगनी होगी, मैं गलत हूं सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे भुलाना ही होगा। गीतांजलि, अगर तुम उसे नहीं भुलाओगी तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है, यस आई मीन इट। लेकिन उसे भुला सको तो प्लीज, प्लीज। लग रहा है क्यों बंद कर रखा है मुझे? तुमने अभी कुछ मुझे दिया नहीं है, गुरु दक्षिणा। मैं तुम्हें नंगा देखना चाहता हूं। क्या हुआ? What's wrong? और मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया और तुम मेरे लिए नंगी नहीं हो सकती?
चलो कपड़े उतारो, मुझे तुम्हारा बदन चाहिए। जस्म। क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? पागल हो गए आप? कपड़े उतारो, कपड़े उतारो। देखो मैं बहुत सच्चा और सीधा आदमी हूँ, सज्जन हूँ मैं। मैं बलात्कार नहीं करना चाहता। हाँ? देखो, देखो मैं तुम्हारे पैर छूता हूँ। तुम नहाते वक्त भगवान का नाम लेती हो नहीं? नहाते वक्त तो तुम कपड़े उतार कर नहाती हो ना? नंगी होकर नहाती हो ना तुम? मैं तुम्हारा भगवान हूं, चलो कपड़े उतारो। लिखा है तुमने, तुम्हारी थीसिस में लिखा है कि प्रोफेसर ज़ेनो मेरे गुरु हैं, मेरे आदर्श हैं, मेरे भगवान हैं। लिखा है तुमने। तुम अपने भगवान के सामने तो नंगी हो ही सकती हो। चलो कपड़े उतारो। हैवान हो तुम, मैं जा रही हूँ यहाँ से, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम कहीं नहीं जा सकते। क्यों? कहीं नहीं जा सकते। क्या करोगे तुम? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर लोगे तुम? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या कर लोगे? मार डालूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, फिर भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्यों? नंगा देखना चाहते हो ना मुझे? हाँ। नंगा देखना चाहते हो? हाँ। कपड़े उतारो अपने। हाँ। उतारो कपड़े। उतारो। उतारो अपने कपड़े। नंगा देखना चाहते हो ना मुझे? मार दिया मैंने, मार दिया। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। शांत, गीतांजलि, अब तुम इस स्थिति में से बाहर निकलोगी, वापस आ जाओगी। 5, 4, 3, 2, 1 जो कुछ भी तुमने मुझे बताया तुम्हें याद है? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो गीतांजलि, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ? प्रोफेसर ज़ेनो के घर से तुम भागी यह सोचकर कि तुमने उसका खून कर दिया। इस बात से तुम्हें गहरा सदमा पहुंचा और इसी सदमे से बचने के लिए तुमने नताशा का व्यक्तित्व अपना लिया। तुम विशाल से मिलने उस पहाड़ की चोटी पर भी पहुंची जहां विशाल और नताशा पहली बार मिले थे। विशाल का वहां आना, तुमसे मिलना, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम था। इसी वहम को सच्चाई मानकर तुम नलिनी सेन से भी मिली थी। एक रात तुम्हें ढूंढता हुआ प्रोफेसर ज़ेनो अचानक तुम्हारे सामने आ गया। प्रोफेसर ज़ेनो उर्फ चंद्रमोहन, सिर्फ तुम्हारी थीसिस का एक हिस्सा था। तुम्हारी थीसिस को कहानी समझकर मैं सेन उसे कहानी का एक किरदार मानने लगी। तुम तो उसे जीने समझ बैठी थी, लेकिन वो हकीकत में कॉलेज से निकाला गया एक पागल अय्याश था जो तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था। तुम्हें पाने की सारी उम्मीद खत्म होने के बाद पागलपन के दौरे में नशे की हालत में बिल्कुल धुत उसने आत्महत्या कर ली। प्रोफेसर ज़ेनो को तुमने नहीं मारा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत जहर खाने से हुई थी, पोटेशियम साइनाइड।
यानी प्रोफेसर ज़ेनो ने आत्महत्या की थी। सो रिलैक्स गीतांजलि, तुम बचपन से ही नताशा को बहुत चाहती थी, उसकी तरह बनना चाहती थी, इसलिए चाहकर भी तुम उससे दूर नहीं हो पाई। यही इच्छा पूरी करने के लिए और हत्या के इल्जाम से बचने के लिए तुम स्प्लिट हुई। ये सब कुछ बचपन से लेकर आज तक के सदमों का मिला जुला असर था। नताशा की बताई बातें और उसके खतों के आधार पर तुमने अपनी और विशाल की मनगढ़ंत प्रेम कहानी बनाई। वो 6 महीने जिसका तुम्हारे पास कोई हिसाब नहीं था, दरअसल तुम्हारा ज़ेनो के साथ बिताया हुआ भयानक समय था जिसे तुम भूल चुकी थी। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा नाम, सब कुछ उस भोले समय में खो गया था, तुम्हारे अतीत और वर्तमान के बीच। यू वर लॉस्ट गीतांजलि, समवेयर बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जहाँ खत्म होती है नताशा की कहानी, बस वहीं शुरू होती है गीतांजलि की। इस सब के दौरान मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब और कैसे इन दोनों की प्रेम कहानी का सूत्रधार बन गया। प्रेम कहानी शायद। मुझे माफ कर दो विशाल, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मुझे नताशा से माफी मांगी होगी। तुम नहीं जानती, तुमने जिन दिनों नताशा से मिलना छोड़ दिया था उसी दौरान नताशा के कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। छह महीने हो चुके हैं, हम दोनों ने नताशा को खो दिया है, पर मुझे नताशा वापस मिल गई है। तुम में, हाँ गीतांजलि, मैंने नताशा को वापस पाया है। मेरी केस स्टडी जमहेज एक प्रेम कहानी राजा रानी की। कुछ दिन बीत गए और राजा ने रानी के लिए फिर से वो घर खरीद लिया और मेरा अलविदा कहने का वक्त। तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगता है क्यों, तुमसे मिलके मुझे ऐसा लगता